हेलो जी, क्या हाल है? होप ऑल ऑफ यू वेल। सो गाइस, दिस वीडियो इज़ अबाउट फाइंडिंग इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स। ठीक है जी, हर एक्सपेंशन में आपके पास ना एक टर्म ऐसी होती है विच इज़ इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स। अब यार देखो, इस बात को अगर आप उर्दू में ही समझना चाहो ना, तो आपके पास सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। तो बेटा देखो, आपके पास ना इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स का ये वाली चीज़ का मतलब ये होता है कि हमें एक ऐसी टर्म ढूंढनी होती है जिसमें बेसिकली एक्स नहीं होता, टर्म विदाउट एक्स, या फिर ये भी बोल सकते हैं टर्म विदाउट एक्स, या फिर टर्म विद एक्स टू द पावर ऑफ जीरो। एक्स टू द पावर ऑफ जीरो का बेटा क्या मतलब होता है? एक्स टू द पावर ऑफ जीरो का मतलब होता है वन। तो बेसिकली लेट सपोज, अगर मेरे पास एक एक्सपेंशन है और वो एक्सपेंशन मेरे पास इस तरह से गिवन है कि 4 + 2x2। अब मैंने आपको बोला कि आप इसमें मुझे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताओ, तो अभी आप पहले इसको एक्सपैंड कैसे करते बेटा? आप इसको एक्सपैंड करते ए प्लस बी होल स्क्वायर से, तो इट वुड बिकम व्हाट, 16 + 2 × 4 × 2x + 2x होल स्क्वायर। ठीक है, देन इट वुड बिकम व्हाट, 16 + 2 = 4 = 8 एंड 8 × 2 = 16x + 4x² हो जाता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर मेरे पास ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, दिस इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको ये बोलेंगे टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर भी बोल सकता हूँ मैं इसको। तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी 4। बेटा अगर मैंने देखना है कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो बेटा वो कितना है? कोफिशियंट ऑफ एक्स होगा बेसिकली टर्म ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो बेसिकली आपके पास नंबर जो भी x के साथ जो भी नंबर है, दैट इज गोइंग टू बी द टर्म ऑफ x। तो बेटा कितना हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी 16। या फिर अगर मुझसे उन्होंने बोला कि कोफिशियंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 0, तो इसका क्या मतलब होगा बेटा? इसका मतलब होगा इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x। क्या मतलब होगा? इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, एक ऐसा टर्म जिसके साथ x है ही नहीं, इंडिपेंडेंट है, मतलब वो x की मोहताजी से रिहा है, मतलब एक्स के ने उसको, एक्स उसके साथ है ही नहीं, एक्स उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स। तो यहाँ पे बेटा इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी 16। ठीक है जी, सो गाइस नाउ वी लुक एट हाउ डू वी फाइंड, नाउ वी अंडरस्टूड लाइक व्हाट इज इंडिपेंडेंट टर्म, बट नाउ वी आर गोइंग टू बी मूविंग ऑन टू हाउ डू वी फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म। ठीक है जी, तो यार देखो, लेट्स मूव ऑन, लेट्स लुक एट फाइंडिंग इंडिपेंडेंट टर्म्स। ठीक है जी, तो हमने पहले डिफाइन कर लिया कि इंडिपेंडेंट टर्म आपके पास होती क्या है। नाउ वी लुक एट फाइंडिंग इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स। तो भाई एक काम करते हैं, पहले ये ढूंढते हैं कि इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स आपके पास आती किस तरह से। तो बेटा देखो, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स के लिए भी ना आपने क्या करना होता है, आपने इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स के लिए भी डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करना होता है, डायरेक्ट मेथड ऑफ स्पेसिफिक कोफिशिएंट। ठीक है, ये वाला डायरेक्ट मेथड ही यूज करके हम बेसिकली इंडिपेंडेंट टर्म निकालते हैं। इसीलिए आपको पहले स्पेसिफिक कोफिशिएंट समझाया, और अब उसका एक समझो एक सब टॉपिक है, दैट इज व्हाट, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स निकालना। तो वो बेटा कैसे आ रहा है? वो भी डायरेक्ट मेथड ऑफ स्पेसिफिक कोफिशिएंट से आ रहा है, एंड दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज आरथ फॉर्मूला। ठीक है जी, इस मेथड का क्या नाम है बेटा? इस मेथड का नाम है आरथ फॉर्मूला। तो देखो बेटा, आपके पास ना यहाँ पर हो क्या रहा होता है, लेट सपोज मेरे पास एक टर्म है और उन्होंने मुझे बोला कि अब द टर्म दैट इज गिवन टू मी इज व्हाट, 2x + 1/4x². मेरे पास ये टर्म है और होल पावर में बेटा 6 लगा हुआ है। अब मैंने क्या ढूंढना है? मुझे इसका इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x ढूंढना है। ठीक है जी, व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x। ठीक है जी, अब इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x के लिए बेटा आपने ये समझना है कि आपसे वो अब कोफिशेंट ही पूछ रहा है, लेकिन ऐसी चीज़ का कोफिशेंट पूछ रहा है जिसकी पावर, जिस एक्स की पावर क्या है? 0 है। तो इसका मतलब क्या होता है, फाइंडिंग इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब क्या होता है? कोफिशेंट ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ 0, क्योंकि उसके साथ एक्स है ही नहीं। तो बेटा आपके पास जो मैंने आपको मेथड बताया, वो क्या मेथड है? डायरेक्ट मेथड फॉर स्पेसिफिक कोफिशेंट्स लगा लेंगे, विच इज बेसिकली योर आरथ फॉर्मूला दैट यू विल हैव टू अप्लाई ओवर हेयर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक कोफिशिएंट। तो देखो यार, आरथ फार्मूला लगाने के लिए ना आपके पास यहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहला स्टेप बेटा क्या है? सबसे पहला ये है कि आपने जो है ना अपनी जो भी एक्सपेंशन होती है उसको आर की टर्म्स में एक्सपैंड करना होता है, फिर आपने एक्स की बेस को सिंगल बनाना होता है,
और फिर जो भी पावर ऑफ एक्स जिसका कोफिशियंट आप ढूंढ रहे होते हो उससे आपने इक्वेट कर लेना होता है। बेटा यहाँ पर आप कौन सी एक्स की पावर का ढूंढ रहे हो, एक्स की पावर जीरो का, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स ढूंढ रहे हो इसलिए आप एक्स की पावर जीरो का कोफिशियंट ढूंढ रहे हो। तो आप इंडिपेंडेंट टर्म के केस में हमेशा 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 हम बेटा किससे इक्वेट कर रहे होंगे, इंडिपेंडेंट टर्म के केस में हम हमेशा एक्स की पावर जीरो को यूज़ करके उससे अपनी एक्स की आरएफ फॉर्मूला में जो एक्स होता है उसको इक्वेट कर रहे होंगे। ठीक है जी, सो गाइज नाउ लेट्स जस्ट डू दिस एग्जांपल क्वेश्चन। तो देखो जी, अब आपने सबसे पहला स्टेप क्या था, आपने आरएफ फॉर्मूला लगाना है। तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, 60r इनटू 2x टू द पावर ऑफ 6 माइनस r, देन इट इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 4x स्क्वायर टू द पावर ऑफ r। ठीक है जी, अब आपने इसको बेटा खोल लिया, अब आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके x की बेसिस को सिंगल बनाना है, तो 2 के ऊपर भी 6 माइनस r हो जाएगा, x के ऊपर भी 6 माइनस r आ जाएगा, एंड देन 1 के ऊपर भी r आएगा एंड 4 के ऊपर भी r आएगा और x के ऊपर 2r आ जाएगा। देखो बेटा, अभी x मेरे पास दो जगह नज़र आ रहा है, एक ये रहा और एक ये रहा। अब आपने दोनों बेटा बेसिस डिवाइड हो रही हैं, तो आपने क्या करना है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर आप पावर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 26 माइनस r माइनस 2r। अच्छा जी, आपने x की बेस को बेटा सिंगल बना लिया है यहाँ पे, तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, 60r इंटू 2 की पावर 6 माइनस r इंटू 1r ओवर 4r। ठीक है जी, तो बेटा देखो आपके पास यहाँ पे x की बेस क्या है, x की बेस सिंगल बनने के बाद क्या बन रही है, ये बन रही है। नाउ वी हैव टू इक्वेट दिस टू द पावर ऑफ x whose कोफिशियंट वी आर लुकिंग फॉर, एंड वी आर लुकिंग फॉर द कोफिशियंट ऑफ x टू द पावर ऑफ जीरो बिकॉज इट्स एन इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x। तो दैट मीन्स वॉट, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी 6x टू द पावर ऑफ 6 माइनस r माइनस 2r इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ जीरो। तो बेटा ये दोनों इक्वेट होंगे, x x कैंसिल होगा, एंड नाउ इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी 6 माइनस 3r इक्वल टू जीरो, and then it is going to be minus 3r equals to minus 6, minus minus cancel, r is going to be equals to 2. तो मेरे पास r कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। अब now using this r, what am I going to do is, I am just going to simplify what, I am going to find out the coefficient, क्योंकि मुझे r मिल चुका है। अब r मिलने से basically हो क्या रहा है, r मिलने से हुआ ये कि now I know that what is going to be the r when my then I will have to find out the coefficient, independent term of x, so I know that what is going to be my r. तो बेटा मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं आऊँगा यहाँ पे r की वैल्यू डालता हूँ फॉर्मूले में, इसमें बेटा r की वैल्यू 2 डालूंगा तो मेरे पास इंडिपेंडेंट टर्म आ जाएगा। तो इट्स गोइंग टू बी व्हाट, 62 इंटू 2x टू द पावर ऑफ 6 माइनस 2, देन इट इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 4x स्क्वायर इंटू 2। ठीक है जी, r की पावर 2 हो गई। ठीक है, तो 62 बेटा क्या होता है, 62 इज आई गेस 15, येस इट इज 15, तो 2x टू द पावर ऑफ 4 एंड देन 1 अपॉन 16 टू द पावर x टू द पावर ऑफ 4। ठीक है जी, अब आपके पास क्या होता है बेटा, अब नाउ 2 के ऊपर भी पावर लग जाएगी, तो 2 टू द पावर ऑफ 4 16 होता है, x टू पावर ऑफ 4 हो जाएगा, एंड देन इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 16 x टू द पावर ऑफ 4। तो बेटा देखो अभी आपके पास क्या हो रहा है, नाउ दिस कैन बी सिंप्लीफाइड टू 15 इंटू 16 टाइम्स x की पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 16 x टू द पावर ऑफ 4। बेटा x टू द पावर ऑफ 4, x टू द पावर ऑफ 4 कटा, इंडिपेंडेंट टर्म बन गया क्योंकि x सारे चले गए, 16 कटा, आंसर क्या आ गया, 15 आ गया। तो बेटा आपके पास 15 इज गोइंग टू बी व्हाट, 15 इज गोइंग टू बी द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी 15। अच्छा जी, अब एक बात बेटा आपको यहाँ पे याद रहे कि आपके पास यहाँ पर r क्या था जिस पे ये इंडिपेंडेंट टर्म आई थी, 2। वो कैसे आई थी बेटा, वो r मैंने निकाला था आरएफ फार्मूला को यूज़ करके। आरएफ फार्मूला में सारी चीज़ें सेम रखी थी, बस यहाँ पे एक चीज़ फिक्स कर दी थी कि हम आरएफ फार्मूला में, हम लास्ट स्टेप में क्या करते थे, अपनी जो भी एक्स की एक्स होता था आरएफ फार्मूला वाला, सिंगल बेस एक्स की होती थी, उसको हम उस वेरिएबल से इक्वेट कर देते थे जिसका कोफिशियंट हम ढूंढ रहे होते थे। यहाँ पर हमने क्या फिक्स करा कि हम हमेशा x की पावर ऑफ जीरो का कोफिशियंट ढूंढ रहे होंगे, तो हमने इसको x की पावर ऑफ जीरो से ही इक्वेट करना है व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x। उससे बेटा मुझे r मिलेगा अपना, और फिर वो r को जाके मैं वापस से आरएफ फार्मूला में डाल दूंगा एंड आई विल फाइंड आउट द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x दिस वे। ठीक है जी, ऑलराइट गाइस, नाउ लेट्स जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल क्वेश्चन। देखो जी आपके पास क्या बोला है उन्होंने, उन्होंने आपको बोला ये, फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 4x क्यूब प्लस 1 ओवर 2x टू द होल पावर ऑफ 8। नाउ आई नीड टू डू व्हाट, आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x। इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x का मतलब क्या है, कि इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x का मतलब बेटा ये है कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 0, इसका कोफिशिएंट ढूंढना है। तो बेटा अगेन आरएफ फार्मूला लगाते हैं,
तो आर फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, 8CR into 4X cube to the power of 8 minus R into 1 over 2X to the power of R. Now it is going to be what? We'll just simplify it. 4 की पावर 8 minus R हो जाएगा, X cube की पावर क्या हो जाएगा बेटा, 3 into 8 minus R. X की पावर जाएगा 3 into 8 minus R. And then it's going to be, oh sorry, equal to नहीं आएगा. Then it's going to be 1 over 2R. 1 के ऊपर भी आ रहेगा, 2 के ऊपर भी आ रहेगा और x के ऊपर भी आ रहा जाएगा. अगेन x बेटा दो जगह नजर आ रहा है, एक जगह ये रहा और एक जगह ये रहा. तो बेटा इसको एक जगह ले आओ, दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं ना, देखो ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं. तो दैट मीन्स व्हाट आई विल, कैन आई राइट सबट्रैक्ट द पावर्स बिकॉज द बेसिस आर सेम, यस ऑफ कोर्स. सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी 8CR इनटू 4 की पावर 8 माइनस आर इनटू x 24 माइनस 3R, क्योंकि 3 और 8 और फिर ये 3 और r मल्टीप्लाई हुआ है, एंड देन माइनस r, एंड देन इट इज गोइंग टू बी इनटू 1R ओवर 2R. अब देखो बेटा आपके पास x एक सिंगल बेस बन चुका है, नाउ वी हैव टू इक्वेट इट टू द वेरिएबल हुज कोफिशिएंट वी आर लुकिंग फॉर, एंड इन दैट दिस केस इट्स गोइंग टू बी x टू द पावर ऑफ 0. तो बेटा x टू द पावर ऑफ 0 से अगर इसको इक्वेट करते हैं तो इट विल बिकम व्हाट, x टू द पावर ऑफ 24 माइनस 3R माइनस r इज इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ 0. x x कैंसिल हो गया, इट इज गोइंग टू बी वॉट, 24 माइनस 4R इक्वल्स टू 0, माइनस 4R इक्वल्स टू माइनस 24, माइनस माइनस की साइन कैंसिल हुई, R इज गोइंग टू बी 24 अपॉन 4, विच मीन्स दैट इट गोइंग टू बी 6. तो बेटा R की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई. अगर R 6 डालूंगा तो जब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 विच इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाएगा. तो लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट, एंड 6, it is going to be 4 into x की पावर 3 into 8 minus 6 into 1 upon 2x की वैल्यू ऑफ 6. बेटा 8C6 की क्या वैल्यू होती है, इट इज 28, ठीक है जी. एंड देन 4x टू द पावर ऑफ 4x क्यूब टू द पावर ऑफ 2, एंड देन 1 ओवर 1 के ऊपर पावर 6 लगेगी, इज गोइंग टू बी 1, 2 टू द पावर ऑफ 6 एंड x टू द पावर ऑफ 6 अगेन, ठीक है जी. अब नाउ वी आर गोइंग टू डू व्हाट, वी आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई दीज पावर्स टू 28, 28 into 16 and x cube square लगेगा बेटा, 2 पे 4 पे भी लगेगा और x पे भी लगेगा. तो 16x to the power of 6 into 1 over 32 into x to the power of 6. तो बेटा अब ये 28 और 16 को मैं क्या करूँगा, आई एम गोना मल्टीप्लाई देम. सो व्हेन आई मल्टीप्लाई देम, 28 by 16 becomes 448 बेटा, 448 to the power x to the power of 6. And then 32 is going to be in the denominator with x to the power of 6. So, dekho sabse pehle beta x x cancel ho gaya. That means that there is no x that is going to be there. And my 32, 448 divided by 32 will give me 14. So, mera independent term of x beta kya aa gaya? It is going to be 14. And this can also be the coefficient of x to the power of 0. Because x dekho bacha hi nahi hai. And that is all. Theek hai ji? Alright ji, let's just look at this question now. In the first part, they say what? They say that find the term independent of x in the expansion of 2 over x minus 3x to the power of 6. So, dekho ji, aapke paas na iski expansion mein abhi aapne kya nikalna hai? Independent term of x nikalna hai. Independent term of x ka beta matlab kya tha? Again, it was what? It was the coefficient of x to the power of 0. So, beta, ye nikalna hai hame. So, dekho ji, aap sabse pehle kya karoge? You are going to first of all expand it. अच्छा, इन द अर्थ फार्मूला, एंड देन यू आर गोइंग टू इक्वेट द एक्स ऑफ द अर्थ फार्मूला टू टू द एक्स पावर ऑफ जीरो. तो इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, 6CR इनटू 2 ओवर x 6 माइनस r, एंड देन इट इज़ गोइंग टू बी माइनस 3x टू द पावर ऑफ r. सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट, इट्स गोइंग टू बी 6CR इनटू 2 के ऊपर आ गया बेटा 6 माइनस r, x के ऊपर क्या आ गया 6 माइनस r आ गया. तो इट्स गोइंग टू बी x पावर 6 माइनस r, and then it's going to be minus 3 to the power of r into x to the power of r. ठीक है जी, अभी आपको बेटा दो जगह पे x नज़र आ रहा है, it's here and it's here. So we can just write it like एक सिंगल बेस बना के लिख लेते हैं. So it will become what, it's going to be 6CR into 2 into 6 minus r into minus 3R into x to the power of r minus 6 minus r. ठीक है जी, अब आपने क्या किया, ये दोनों आपस में बेटा डिवाइड हो रहे थे ना अभी, तो आपने इनको डिवाइड करने, बेसिस सेम होती है, डिवाइड कैसे होते हैं, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. तो यू जस्ट डिड दिस, ठीक है जी. अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, इट कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड ऑल्सो. सो इट्स गोइंग टू बी 2 6 माइनस आर एंड माइनस 3 टू द पावर ऑफ आर एक्स टू द पावर ऑफ आर माइनस 6 प्लस आर. ठीक है जी, तो अब आपके पास एक्स क्या बन गया बेटा, एक्स इज गोइंग टू बी दिस इन द अर्थ फॉर्मूला. नाउ वी हैव टू इक्वेट दिस टू द एक्स टू द पावर ऑफ जीरो. सो इट्स गोइंग टू बी वॉट, आर माइनस 6
प्लस आर इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ऑफ जीरो. अब ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो गया बेटा, सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी 2r minus 6 equals to 0, 2r equals to 6 and r is going to be equals to 6 upon 2 which means that it is going to be 3. ठीक है जी, तो आपके पास क्या आ गया बेटा, it is going to be equal to 3 and this is going to be what, this is going to the value of r where we find the coefficient of x to the power of 0 or the term independent to x. Now we are done with finding out the r for which we'll get the term independent of x. So now we have to find out the term also. So we are just going to plug it in the rth formula that was there with us, and that was what, it was this, right? So isme aake r ki value 3 plug in kar lenge and then let's see how it is going to be. To dekho ji, aapke paas agar aap r ki values mein plug in karte ho 3, so it's going to be what, 6c3 into 2 into 6 minus 3, denominator mein it's going to be x to the power of 6 minus 3. And then it's going to be minus 3 to the power of 3 and then x to the power of 3. So, beta, ye kya ho jayega? 63 aapke paas 20 ke barabar hota hai. So, it's going to be what? It's going to be 20 into what? Into 2 to the power of 3 is going to be 8 and x to the power of 3. And then minus 3 is going to be minus 27 and x to the power of 3. तो देखो जी, ये 28 से मल्टीप्लाई होगा एंड देन इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद माइनस 27. तो 20 इंटू 8 इज 160 मल्टीप्लाई बाय माइनस 27 इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी 4320. एंड देन नाउ वी हैव टू डू व्हाट, वी विल हैव टू, वी कैन राइट इट एज माइनस 4320 into x cube and in the denominator it's going to be x cube as well, and then now we can cancel this and this out, so it's going to be what, negative 4320. So negative 4320 kya hai aapke paas, this is going to be the term independent of x. Theek hai ji, now let's move on to this next part of this question. So what does it say? It says that find the value of a for which there is no independent term of x in the expansion of these two brackets multiplying. Again yaar dekho, there are two brackets multiplying, so there is no way that we can directly find out the term independent of x. Theek hai, pehle hame kya karna padega, pehle hame dono ko expand karna padega, aur phir dekho term independent of x jo chahiye na, wo basically in dono ki apni apni expansion ki nahi chahiye. Kiski chahiye beta, hame expansion ki chahiye kiski, jahan pe do terms multiply ho rahi hai. We need to find the term independent of x in the expansion where two terms are multiplying. तो ये जो एक्सपेंशन है ना बेटा, यहाँ पे जो ये एक्सपेंशन का वर्ड है, दिस इज नॉट जस्ट सिंपल एक्सपेंशन, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ टू टर्म्स मल्टीप्लाइंग. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनकी एक्सपेंशन की बात हो रही है. नाउ व्हेनेवर वी हैड टू टर्म्स मल्टीप्लाइंग, तो हम और फिर उनकी एक्सपेंशन की कोई टर्म ढूंढनी होती थी बेटा, तो हम क्या करते थे, हम बेसिकली पहले उनको दोनों को एक्सपैंड करते थे. दिस इज द फर्स्ट लेसन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो हम दोनों को पहले एक्सपैंड करते थे और फिर उसके बाद हम उनकी डिजायर टर्म ढूंढ लेते थे, या जो भी स्पेसिफिक कोएफिशिएंट चाहिए था वो ढूंढते थे. लेकिन हमें दोनों को एक्सपैंड करना पड़ता था, हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकते बेटा. तो देखो, हमें ना यहाँ पर चाहिए एक्स टू द, देयर इज नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स को, मतलब एक्स टू द पावर ऑफ जीरो का कोएफिशिएंट चाहिए, एंड दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन द एक्सपेंशन ऑफ दीज टू ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइंग. तो देखो बेटा, आपके पास ये जो पहला वाला ब्रैकेट है ये क्या है, इट इज गोइंग टू बी 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर, एंड जो दूसरा वाला ब्रैकेट है ये क्या है आपके पास, ये कोई इस तरह की चीज है. ठीक है, अब आपने करना क्या बेटा, अब आप दोनों को बेटा एक्सपैंड करोगे एंड देन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द टर्म विच हैज नो एक्स. ठीक है, लेकिन यार देखो, दैट्स व्हाट वी कैन डू, बट नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू एन ऑल्टरनेटिव मेथड ऑल्सो. तो बेटा देखो, आपने करना क्या होगा कि अगर आपको ऐसे मैं टर्म्स निकालूं जिससे आपके पास कोई एक्स ना बच रहा हो और सिर्फ उनको ही मल्टीप्लाई करूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर देखो ये तो जो है वो तो यही रहेगा, जो ब्रैकेट पहला वाला है उसकी तो एक्सपेंशन एक्सपेंशन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इट इज व्हाट इट इज, राइट, इसके ऊपर पावर वन है. लेकिन अगर ये जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है इसकी एक्सपेंशन में मैं सिर्फ यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर जीरो ले आऊँ, मतलब इंडिपेंडेंट टर्म वाला एक नंबर ले आऊँ, और कोफिशियंट ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ले आऊँ, सिर्फ यही दो चीज़ें अगर मैं बेटा यूज़ कर लूँ, तो क्या मेरे पास इनके दोनों की मल्टीप्लीकेशन की एक्सपेंशन में नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ जाएगा? क्योंकि देखो, मल्टीप्लीकेशन की एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें इसकी एक्सपेंशन ढूंढनी है. ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही कर रहे हैं, इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हुए हमें बेटा
टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ढूंढना है, मतलब एक ऐसा टर्म ढूंढना है जिसकी एक्स की पावर जीरो हो। तो यार सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, हमें काम करते हैं ना, हमें ये तो पता है कि ये वाली टर्म्स तो फिक्स रहेंगी, तो चेंज नहीं होगी। बस मसला इसमें ही था, इसको ही एक्सपैंड करने की जरूरत थी, क्योंकि इसके ऊपर तो पावर वन थी, यहाँ पे पावर सिक्स थी। तो बेटा इसकी सिर्फ वही वाली टर्म यूज कर लेते हैं जिससे हमारे पास टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आता है, मतलब वो वाली टर्म्स आएंगी जब ये दोनों ब्रैकेट्स की टर्म्स मल्टीप्लाई हो, तो आपके पास टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ रहा हो, मतलब वो वाली टर्म आ जाए जिसके साथ एक्स हो ही ना। तो बेटा यहाँ पर तो जो टर्म्स मेरे पास कोई लेने की चॉइस नहीं हुई, यहाँ पर तो यही टर्म्स है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं x की पावर जीरो और x की पावर वन अपॉन एक्स स्क्वायर ले आऊँगा, उसका कोफिशिएंट ले आऊँगा, तो मेरे पास अगर फिर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाएगा इसकी एक्सपेंशन का। कैसे? क्योंकि देखो बेटा अगर आपने वन को, ये वाले वन को एक x टू द पावर जीरो मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x से मल्टीप्लाई किया, तो मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x ही आएगा बेटा। फिर आपने ए एक्स स्क्वायर के न्यूमिनेटर में स्क्वायर हो, और फिर अगर आपने उसको इस तरह की किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया कि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, उसको उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, तो बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर वापस से एक टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग इन दिस पार्ट एज वेल। तो देखो भाई हमारे पास ना यहाँ पर क्या है, हमारे पास वन प्लस ए एक्स स्क्वायर है, लेकिन बेटा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ जीरो तो मेरे पास है, वो क्या था भाई, नेगेटिव 4320 तो था, लेकिन मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं है। तो बेटा अब मैं क्या करूँगा, अब नाउ आई एम गोना गो बैक एंड फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ वन ओवर एक्स स्क्वायर। तो बेटा वन ओवर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वन ओवर एक्स स्क्वायर के लिए बेसिकली इसका मतलब होता है कि एक्स टू द पावर ऑफ माइनस टू का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, तो बेटा अगेन आई कैन यूज दिस फॉर्मूला दैट वाज हेयर, कि आरथ फॉर्मूला क्या था मेरा, 6CR into 2 to the power of 6 minus R over x to the power of 6 minus R into minus 3R over XR। तो बेटा यहां से मैं एक काम कर लेता हूं कि आई एम गोइंग टू बी यूजिंग, आई कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो, और आई कैन जस्ट यूज दिस सिंप्लीफाइड x ऑल्सो, क्योंकि ये फॉर्मूला से फिर ये x सिंप्लीफाइड होगा, और फिर अब मैं इसको इक्वेट कर लूंगा माइनस टू से, क्योंकि मुझे इसका कोफिशिएंट चाहिए, तो पहले R ढूंढ लूंगा। सो नाउ इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी, अब मुझे अगर x r ढूंढना है फॉर x टू पावर ऑफ माइनस टू, तो आई एम गोइंग टू बी डूइंग व्हाट, आई एम गोइंग टू बी जस्ट इक्वेटिंग x टू द पावर सिक्स, सॉरी इट इज व्हाट r, या इट्स गोइंग टू बी r माइनस सिक्स प्लस r इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ माइनस टू, सो x x कैंसिल, सो इट्स गोइंग टू बी 2r माइनस सिक्स इक्वल्स टू माइनस टू, एंड इट इज गोइंग टू बी 2r इक्वल्स टू माइनस टू प्लस सिक्स, एंड r इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, r इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2। ठीक है जी, तो r कितना आ गया बेटा मेरे पास, 2 आ गया। अब मैं r को 2 रखता हूँ और फिर अपना कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ माइनस 2 निकालता हूँ। तो बेटा अगर r को मैंने 2 रखा, सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट, इट्स गोइंग टू बी 6CR, इट्स गोइंग टू बी वेट अ सेकंड, सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट, इट्स गोइंग टू बी 6CR इनटू व्हाट, इनटू 2 टू द पावर ऑफ 6 minus r to 2 to the power of 6 minus 2 upon x to the power of 6 minus 2, because that is what my rth formula is from the question. ठीक है जी, and then minus 3 to the power of 2 and then x to the power of 2. ठीक है जी, तो यार अब देखो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 62 is 15, 15 into this 2 to the power of 4 is going to be 16 over x to the power of 4 minus 3 ka square is 9 and then x square. ठीक है जी, तो 16 into 9 क्या होता है, 16 into 9 is 144, 144 multiply by 15 becomes what, it is 2160. ठीक है जी, तो 2160 x square और ये x की power 4 cancel होगा, तो I'll just be left with what, I'll just be left with 2, so it is going to be what, 216 over into over x square. ठीक है जी, तो आई कैन ऑल्सो से दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2160। तो यार अगेन अब मेरे पास ये आ चुका है बेटा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर स्क्वायर क्या आ रहा है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2160। सो 2160 एक्स स्क्वायर को अगर मैं बेटा इससे मल्टीप्लाई करता हूँ ए एक्स स्क्वायर से, तो मेरे पास क्या आता, मेरे पास एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ जाती। तो बेटा देखो अब मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, आई एम गोना मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, एंड आई एम गोना मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी माइनस 4320 प्लस 2160A। ठीक है जी, तो ये मेरा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आता अगर मैं इन दोनों की एक्सपेंशन को देखता, बट नाउ देयर सेइंग दैट देयर इज नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कोई टर्म है ही नहीं, मतलब देयर इज नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, दैट मीन्स
इसकी एक्सपेंशन में जब जो भी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की टर्म है वो बेसिकली जीरो है, वो बेसिकली किसके बराबर है, वो बेसिकली जीरो है। तो दैट मीन्स अभी हमारी क्या आ रही थी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, वो तो ये आ रही थी, लेकिन उनके हिसाब से ये चीज़ पूरी किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। सो नाउ इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर अस टू सॉल्व फॉर ए, सो इट्स गोइंग टू बी वॉश 2160 ए इक्वल्स टू 4320 हो जाएगा। फिर आई कैन डिवाइड बेटा 4320 डिवाइडेड बाय 4320 डिवाइडेड बाय 2160, सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी ए इक्वल्स टू 2। ठीक है जी, एंड दैट इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर। ठीक है जी, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स, एंड विद दिस वी आर ऑलमोस्ट डन विद बायनोमियल, बट लाइक देर इज अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट दैट इज लेफ्ट फॉर अननोन पावर्स दैट वी आर गोइंग टू बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।